हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक। तो आज हम बनाएंगे ये तड़के वाली दाल और रेस्टोरेंट स्टाइल वाली जीरा राइस। तो इसके लिए पहले मैंने दाल बनाया है। दाल के लिए मैंने लिया है ये अरहर दाल और ये चना दाल। अब हम क्या करेंगे, कुकर में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया था। अब इसमें मैं ये दोनों दाल ऐड करूंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी दाल गल जाए। इसके बाद इसमें ऐड कर रहे हैं हम एक चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें ऐड करेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, और अब इसमें हम कुकर का लेड डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्राई करने के लिए मैंने दाल को लिया है कटा हुआ प्याज, चॉप्ड अदरक, चॉप्ड मिर्च और ये दो तेज पत्ता, और मैंने कटा हुआ टमाटर लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए फ्राई करने की तैयारी शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अब इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच इसमें हम घी ऐड कर रहे हैं। फिर इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। इसके बाद इसमें 1 चम्मच और मैंने ऐड कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। इसके बाद 2 तेज पत्ता इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद जो है इसमें अदरक डालकर इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अब इसमें लगे हाथ मैं प्याज भी ऐड कर दे रही हूँ और हरी मिर्च भी। इसको इस तरह से मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा हम कलर आने तक भूनेंगे। इसमें मैं नमक थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ क्योंकि दाल में ऑलरेडी हमने नमक डाल लिया है। इसको हम थोड़ी देर कलर आने तक भूनेंगे। तो देखिए इसका कलर आ गया है। तब इसमें लास्ट में हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये दोनों अच्छी तरह से भूनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला का पाउडर 1 चम्मच। उसके बाद थोड़ा सा और नमक मैंने ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये फ्राई हो चुका था भून गया था। तो इसमें अब हम दाल को डाल के मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसको पकाएंगे। 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे हम, ये देखिए 5 मिनट बाद आके चेक कर रहे हैं तो ये हमारा जो है बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा बहुत हम धनिया पत्ता जो चॉप किए हुए थे उसको थोड़ा सा इस पे स्प्रेड कर रहे हैं। बाकी धनिया पत्ता का यूज हम बाद में जब सर्व करेंगे तब डालेंगे। तो चलिए फ्राइड चावल बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं।
इसके लिए मैंने लिया है ये 1 घंटा तक भिगोया हुआ चावल धोकर, और मैंने ये घी लिया है। अब क्या करेंगे, हम इस कुकर में ये पूरा घी ऐड कर देंगे जो कि 2 से 3 चम्मच था। और अब इसमें देखिए हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा 1 से 2 चम्मच, क्योंकि जीरा राइस है तो थोड़ा जीरा ज्यादा डालेंगे, 2 से 3 या 3 से 4 भी आप डाल सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड किए हैं हींग, और अब इसमें हम ये चावल ट्रांसफर करते हैं। आप चावल को भिगोकर यूज करें तो इससे हमारा फ्राइड राइस बहुत ही अच्छा बनेगा। याद रहे कि आप चावल को पकाने से पहले उसको 1 घंटा तक भिगोकर धोकर फिर उसको भिगोकर एक जगह रख दें, फिर उसके बाद आप इसका चावल बनाएं। अब इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा नमक ऐड करेंगे तो दाल भी हमारे उसमें भी नमक है तो नमक नमक खारा हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डाल रहे हैं, क्योंकि बाकी फिर हम उस टाइम डालेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के हम 1 ग्लास पानी इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि चावल हमारा अच्छी तरह से पक जाए, और इसका हम लिड डालकर इसको तो उस चावल को हम 2 सीटी आने तक छोड़ देंगे पकने के लिए। और इसमें देखिए मैंने 3 चम्मच घी लिया है, और अब इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं 2 से 3 चम्मच जीरा। फिर उसके बाद इसमें ऐड करूंगी मैं 2 सूखी लाल मिर्च। 2 सूखी लाल मिर्च इसलिए यूज करते हैं क्योंकि तड़का के समय हम लाल मिर्च का ही यूज करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम, जब ये थोड़ा लाल मिर्च जो है और सुनहरा हो जाए तब इसमें हम 1 चम्मच हींग ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और चलिए इस तड़के को हम अपने दाल में डालते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं करके इसको पूरे दाल में इस तरह से मैंने डाल दिया है। और अब इसमें मैं धनिया पत्ता जो मैंने पहले काट कर रख लिया था उसको मैं इसमें स्प्रिंकल करती हूँ। तो चलिए हमारे तड़के वाली दाल रेडी है। अब चलिए हम चावल को चेक कर लेते हैं कि वो बनकर रेडी है कि नहीं। तो देखिए मैं आकर देखिए 2 सीटी लग गई थी, ये देखिए हमारा चावल अब बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए बन गया है ये चावल। तो अब इसमें जो है हमने धनिया पत्ता जो थोड़ा बचा कर रखा था वो इसमें अब हम स्प्रिंकल कर देते हैं इस तरह से, और इसको अब हम सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा जीरा राइस रेडी है बनकर, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये आप कभी भी बनाकर खाइए। देखिए ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनकर रेडी हुआ है, कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। इसको आप तड़के वाली दाल के साथ खाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा तड़का वाला दाल भी रेडी है, इसका कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है, और इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए थोड़े से टिप से आप इसको बना सकते हैं। आप इसको लंच में जरूर ट्राई करें। अगर आपके बच्चे दाल नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से दाल बनाकर दीजिए, क्योंकि दाल बहुत ही पौष्टिक चीज होता है। अगर आप इस तरह से बना के देंगे तो बच्चे दाल को जरूर ही खाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को जरूर फॉलो करें, और आप इस तरह से दाल को जरूर बनाएं। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये परफेक्ट मील रहेगा। अगर रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।